बहुत स्वागत है जी सारे का। मैं हाँ सुरेंद्र डल्ला। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिदे उपर गल करांगे। कई स्टूडेंट वापस भेजे जा रहे हैं एयरपोर्ट तो, और स्टूडेंट्स के एक डर बन गया कि साडा PPR आया, फिर साडा वीज़ा स्टैंप हो गया, तो जो असं एयरपोर्ट पर जा रहे हैं तो सानू जान नहीं दिता जा रहा, एयरपोर्ट तो ही वापस भेज दिता जाता। कई स्टूडेंट्स ने जिहड़े पिछले दिनों वापस मुड़े ने। पर दूजे पासे जसमीत भाटिया जी लगातार पिछले लंबे समय तो स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि अगर PPR आ गया टिकट बुक ना कराओ, अगर वीज़ा स्टैंप होकर आ गया तो भी टिकट बुक ना कराओ, तुसी टिकट बुक कदों करवानी है। ये जसमीत जी ने कई बार दस्या, एक बार जसमीत जी तो फिर पूरी क्लैरिफिकेशन लवेंगे। जसमीत जी बहुत बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल जसमीत जी। स्टूडेंट हुण वापस आ रहे हैं, पर तुसी तो बहुत समय तो समझा रहे सी, जिहड़े हुण स्टूडेंट वापस आ रहे हैं उहदे पिछे कारण की है, तो स्टूडेंट पैनिक क्यों ना हो? सी पहली गल तो स्टूडेंट्स नू अप्रूवल लैनी है अपने कॉलेज तो, अपने इंस्टीट्यूट तो, अपनी यूनिवर्सिटी तो कि वह ट्रैवल कर सकते हैं। सो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये अप्रूवल भी नहीं लै रहे कि वह ट्रैवल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। सैकेंडली एक नवा मुद्दा सामने आया जो कि दो दिन पहला फ्लाइट जी एयर कैनेडा से उतों काफ़ी बच्चों वापस कर दिता गया। वो रीज़न आया कि GCE पोर्टल पर स्टूडेंट्स से लिखा गया कि डॉक्यूमेंट इज़ इनवैलिड। सो कि डॉक्यूमेंट इनवैलिड है वो दैट इज़ मैडिकल। सो जे तुहाडा मैडिकल एक्सपायर हो चुके है, सो तुहानू अपना नवा मैडिकल करा के अपलोड करना है अपने GCE पोर्टल पर, एंड जदों वो वैलिड दिखाता है फिर तुसी ट्रैवल कर सकते हो। सो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स दिल्ली हाई कमीशन एम्बेसी पहुँचे और उतों जो रीज़न पता लग्या वो यही है। हले तक की कलैरिटी यही है, शायद कुछ होर अपडेट इतने मिल सके, बट जी हूँ तक की कलैरिटी है वो यही है कि मैडिकल कारण ही स्टूडेंट्स नू बोर्ड नहीं करन दिता। सो स्टूडेंट्स अपना नवा मैडिकल कराओ और मैडिकल करा के अपलोड कर दो वैबसाइट पर। सो साडा इको स्टूडेंट है हले तक जिन्हों ये प्रॉब्लम का सामना करना पे है, वैसे होर कोई स्टूडेंट हले तक नहीं है। इन फ्यूचर होएगा तो मैं तुहाडे नाल जरूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करांगा, बट सुनन च आ रहा है कि 30-40 बच्चों एयर कैनेडा की फ्लाइट से चढ़न नहीं दिता कि उन्होंने दसाया गया कि तुहाडा एक्टिव नहीं है वीज़ा। सो वो एक्टिव वीज़ा इसलिए नहीं है या तो तुहाडा मैडिकल एक्सपायर कर चुका है, तुसी अपलोड नहीं किया, और जो तुहाडा मैडिकल एक्सपायर हो चुका है तो इस चीज़ का ख्याल जरूर रखो। सो जे हुण तुसी कैनेडा जाना चाहते हो तो सानू काफ़ी सारिया चीज़ों का ख्याल रखना पैना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तुहानू कॉलेज ने क्वारंटीन प्लान देता है कि नहीं देता है, 3 दिन का तुहाडा जिहड़ा होटल हैगा कैनेडा च वो बुकड है कि नहीं बुकड है, कोविड का टैसट तुसी करा लिया वो नैगेटिव रिपोर्ट हैगी है कि नहीं हैगी। सैकेंडली तुहाडा मैडिकल जे एक्सपायर हो चुका है तो इस चीज़ का भी सानू ख्याल रखना पैना। बिल्कुल ठीक है। सो जे मैडिकल एक्सपायर हो गया फिर तो थोड़ा बहुत इस चीज़ का ख्याल रखना पैना। कुछ समा पहलों की गल सी जदों स्टूडेंट ने जदों उन्हों का मैडिकल एक्सपायर हो जाता सी वो वेट करते भी कि साढ़े तो दोबारा मैडिकल मंगया जाता है, पर जसमीत जी की प्रिकॉशन से जिदा ही स्टूडेंट्स का मैडिकल एक्सपायर होंगे उन्होंने उस टाइम नवा मैडिकल बना ही लेना चाहिए? बिल्कुल, जे तुहाडा मैडिकल एक्सपायर हो रहा है तो उस टाइम तुहानू अपना मैडिकल नवा करा के अपने GCE पोर्टल पर अपलोड कर देना चाहिए, जो मैं लगता है कि ये सब तो सही तरीका रहेगा क्योंकि जे प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पेगी स्टूडेंट्स को। बिल्कुल। सो तुसी GCE पोर्टल पर अपना नवा मैडिकल बना के अपलोड करो, फिर तुहानू ये प्रॉब्लम है जिहड़ी इहदा सामना नहीं करना पेगा। हुण जिहड़े बाकी स्टूडेंट्स ने जसमीत जी जिन्हां नूं वीज़ा स्टैंप होकर आ गया, कई बार जिवें तुसी अगे भी कहिंदे हो तुरंत टिकट बुक कर लेंदे ने, उस तरह की प्रॉब्लम तो नहीं इस वक्त आ रही स्टूडेंट्स नूं सी हजे भी वो वेट करन मंजूरी लैके फिर अपनी टिकट बुक? बिल्कुल बिल्कुल, मंजूरी लैके ही टिकट बुक करनी है। कोविड के केसिस कैनेडा च भी और इंडिया च भी बहुत तेजी नाल वध रहे हैं। सो कैनेडा की सरकार भी बड़ी कॉशियस हो गई है और इंडिया में भी हो सकता संभावना इदा की हो जाए कि कल लॉकडाउन लग जाए तो स्टूडेंट्स ट्रैवल ना कर सकन। सो स्टूडेंट्स नू बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, जे अपनी टिकट बुक करनी है तो अप्रूवल लैके अपने अपने इंस्टीट्यूट तो फिर ही तुसी टिकट बुक करनी है, उस तो अलावा तुसी टिकट नहीं बुक करनी है। सो ये काफ़ी सारिया स्टैप्स है जिहड़े हुण स्टूडेंट्स नू फॉलो करने पैणगे जिहड़े ट्रैवल करना चाहते हैं। सो क्योंकि सानू एक्सट्रा पैसे भी खर्चने पैणगे, पहला सानू कोविड टैसट कराना पड़ेगा, उसकी रिपोर्ट नैगेटिव होनी चाहिए है, फिर 3 दिन का क्वारंटीन होटल है, 3 दिन च 2 बारी तुहाडा कोविड का टैसट होएगा, उस तो बाद 11 दिन फिर क्वारंटीन करना पेगा एट अ फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय योर इंस्टीट्यूट। चौथा जो ये क्वारंटीन के पैसे या तो कुछ कॉलेजेस पहला मंग रहे हो और कुछ कॉलेजेस कह रहे हैं कि तुहाडे स्टूडेंट अकाउंट चो असीं कट लवेंगे, सो वेरी रेयरली कॉलेज कह रहे हैं कि पहला पे करो। सो ये सारा अरेंजमेंट स्टूडेंट नू करके जाना चाहिए। सैल्फ आइसोलेशन का प्लान तो ही एक्सैप्ट होएगा, जे एक वॉशरूम और एक कमरा तुहाडे कोल सैपरेट हैगा तो आइसोलेट कर सकते हो। सो प्रैफर यही करो कि तुहाडे कोल अपना होटल का प्लान होवे जिवें कॉलेज वालों जिहड़ा दिता गया, दैट इज़ बैटर।
बिल्कुल ठीक है जी, थैंक यू सो मच। सो इस प्रोग्राम दे विच बहुत इंपॉर्टेंट इनफॉर्मेशन है जिहड़ी जसमीत जी ने शेयर की है साडे नाल, और सारे स्टूडेंट्स वार वार इस प्रोग्राम नूं सुणन। आम तौर पर मैं कहिंदा नहीं हुंदा तुसीं प्रोग्राम शेयर करो, पर ये इनफॉर्मेशन स्टूडेंट्स के बैनीफिट के लिए जरूर अपने दोस्तों शेयर करो ताकि सारयां नूं पता लग जाए कि इस वक्त असीं की करना है। कोई कन्फ्यूजन है, क्लैरिफिकेशन है, 90413 90412 इको नंबर है। जसमीत जी टाइम टू टाइम अलग अलग ऑफिस जाते हैं, लुधियाना जाते हैं, जलंधर जाते हैं, बठिंडा जाते हैं, मोगा जाते हैं, मोहाली दे विच तो हर वक्त अवेलेबल होंगे ने। सो तुसी इसे नंबर के उत्ते वट्सअप करके उन्होंने अपॉइंटमेंट का टाइम ले लो, किसी भी दिन स्टूडेंट ने जिहड़े वो मिल सकते हैं जसमीत जी नूं आके, चाहे उन्होंने फाइल विड्रॉ करनी है क्यूबिक की, चाहे उन्होंने नवी फाइल लॉन्च करनी है कनेडा च। सो जरूर उन्होंने मिल सकते हो। थैंक यू सो मच जसमीत जी, सत श्री अकाल।